हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू यूज वॉशरूम रेस्टरूम वाइल वेयरिंग साड़ी लहंगा और गाउन। जी हाँ, ये वाली वीडियो बहुत ही बेसिक सी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपने शादी का हैवी गाउन लहंगा या साड़ी पहनी हो तो उस टाइम पे आपको वॉशरूम कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी ड्रेस और आपका आउटफिट भी खराब ना हो और आप कंफर्टेबली वॉशरूम को यूज़ कर पाए। काफ़ी सारी लड़कियाँ ये सोच रही होंगी ये भी कोई बताने की बात है, तो एज अ ब्राइडल गाइड मैं आपको हर वो चीज़ बता रही हूँ जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड, तो अगर आप कोई भी ब्राइडल रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है blushingbeauty42, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई भी बात है मन में, कुछ भी जानना है आपको, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो पूरा देखिएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना वेडिंग आउटफिट की, वेडिंग आउटफिट में जब एक ब्राइड की बात होती है तो वो नॉर्मल आउटफिट नहीं होता है यार, बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट होता है। फिर चाहे वो गाउन हो, साड़ी हो, या फिर सूट हो, या फिर आप कह लीजिए लहंगा हो, तो हर चीज़ हैवी होती है। हैवी में वेट में भी हैवी हो सकती है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो सकता है, घेर बहुत ज़्यादा हो सकता है, फ्लफीनेस हो सकती है, इतना ज़्यादा। ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, हम लोग जब वॉशरूम यूज़ करना चाहते तो कम्फर्टेबल नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, हम ड्रेस को मतलब उतार भी नहीं सकते हैं वॉशरूम यूज़ करते समय। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब जैसे लहंगा आपने पहना हुआ है या साड़ी पहना हुआ है तो बार बार ड्रेपिंग कैसे करेंगे आप, या दुपट्टा ड्रेपिंग खराब हो सकती है, या गाउन में सिरवटें पड़ सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से बचने का ईजी आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अगर आप टू बी ब्राइट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ ये राय देना चाहूँगी। आप जब भी मतलब न्यूनी शादी हुई है आपकी या किसी भी इवेंट में आपने साड़ी वियर की है, तो साड़ी को पहनते समय आप जो पेटीकोट शेप वियर आते हैं वो ज़रूर लीजिए। पेटीकोट शेप वियर की फ़ोटो मैं आपके पास लगा देती हूँ स्क्रीन पर। पेटीकोट शेप वियर से आपकी साड़ी की फिटिंग एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, आपका जो बॉडी का फिगर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और साथ ही साथ जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी से आप वॉशरूम यूज कर पाएंगे। बिकॉज जो साड़ी शेपियर होगा वो आपकी जो भी साड़ी की प्लेट्स हैं, जो भी साड़ी का ओवरऑल लुक है, उसको मतलब फैलने नहीं देगा, उसको संभाल के वैसा का वैसे ही रखेगा, फिटिंग अच्छी रहेगी। मतलब ये होता है ना कि अगर हमने नॉर्मल पेटीकोट पहना है और एक साड़ी शेपियर पे साड़ी बांधी है, दोनों में बॉडी की फिटिंग का अंतर हो जाता है। थोड़ा सा लूज ही रहती है साड़ी जब हम नॉर्मल पेटीकोट यूज़ करते हैं, तो जब आप पेटीकोट शेपियर यूज़ करेंगे तो आपकी फिटिंग की रहेगी, तो उससे जब आप वॉशरूम भी यूज़ करेंगे तो भी आपकी फिटिंग की बनी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है गाउन्स और लहंगे के केस में। बात कर लेते हैं लहंगे और गाउन को। आपको जब पहनना हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा हैवी गाउन है, कैन कैन लगी हुई है, डबल कैन कैन लगी हुई है, ऐसे में आप कैसे रेस्टरूम यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी फीमेल की हेल्प ले लीजिए, आपकी सिस्टर, मदर या कोई भी एक्स वाई जेड, आप किसी भी फीमेल की हेल्प ले सकते हैं सो दैट आप रेस्टरूम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सब लोग अवेलेबल, कोई अवेलेबल ही नहीं होता है, ऐसे में क्या करा जाए? तो उस केस में आप क्या कीजिए, जो भी आपका लहंगा है या कह लीजिए जो भी का गाउन है उसके अंदर कैन कैन है, तो कैन कैन को आप पकड़ लीजिए, जो कैन कैन होता है, और जो भी कैन कैन के अलावा अदर मटेरियल है आपका, जॉर्जेट हो सकता है, नेट हो सकता है, शिफॉन हो सकता है, या बनारसी हो सकता है, कोई भी कैन कैन के अलावा जो भी मटेरियल, जिस भी मतलब फैब्रिक का आपने लहंगा या गाउन लिया हुआ है, उस सारे फैब्रिक को आप कोशिश कीजिए कैन कैन के अंदर कर लीजिए, सो दैट वो इधर उधर फैलेगा नहीं और आप रेस्टरूम आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जिस भी दिन आपकी वेडिंग सेरेमनी है या ये आउटफिट्स आपको पहनने हैं और आपको लग रहा है कि यार बार बार वॉशरूम का इशू हो सकता है, रेस्टरूम जाना पड़ सकता है, तो उस केस में मैं आपसे कहूँगी बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। इतना पानी पीजिए कि आप हाइड्रेटेड रहे, लेकिन इतना भी मत लीजिए कि आपको फिर बार बार रेस्टरूम जाना पड़े, क्योंकि एक ब्राइड के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जब ये आउटफिट पहन लेती है। दूसरी चीज़ कहूँगी, जब भी आप लहंगा पहने या गाउन पहने, उसको पहनने से पहले, अब जैसे लहंगा पहन रहे हैं तो आपको
आपका मेकअप होगा, आप ब्लाउज पहनेंगी और मेकअप होगा आपका, हेयर स्टाइल वगैरह बनेगी, लहंगा आप सबसे लास्ट में पहनेंगी। तो जब आप लहंगा पहनेंगी उस समय एक बार रेस्ट रूम यूज कर लीजिए, सो दैट आपके 2-4 घंटे आराम से कट जाए। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस चीज़ छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो वेडिंग डे है, वेडिंग इवेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर, ये तो बात रही नॉर्मल डेज की, कि आप मतलब नॉर्मल जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आता है, चलो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब यू आर ऑन योर पीरियड्स, यानी आपकी मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहले कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपकी जो भी वेडिंग इवेंट है वो उस डेट में ना हो जिस टाइम पे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। बट इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब डेज प्लस माइनस भी हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिए, या तो आपको पता है कि आपका इवेंट आने वाला है तो आप कोई मतलब डॉक्टर से लिखवा के दवा ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, सो दैट आपके 1-2 दिन डिले हो जाए या पहले हो जाए तो आप फ्री रहेंगे। अगर आप मेडिसिन ले भी चुके हैं फिर भी कई बार क्या होता है, सेम डे इशू हो ही जाता है यार। कुछ चीज़ें हम लोगों के साथ ना ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए वही हो जाती हैं, स्पेशल डे पे ऐसी जब चीज़ें हो जाती हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि आप सैनिटरी पैड्स को रिमूव कर दीजिए। आप सैनिटरी पैड्स की जगह जो सैनिटरी आपके कह लीजिए अंडर गारमेंट्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल अंडर गारमेंट्स आ गए हैं फीमेल्स के लिए, वो प्रेफर कीजिए अपने वेडिंग इवेंट में, सो दैट आपका हैवी कवरेज और हैवी एब्जॉर्प्शन हो जाए और आपको कोई भी मतलब टेंशन नहीं होगी ड्रेस खराब होने की, आउटफिट खराब होने की, या बार बार चेंज करने की। तो आई होप आप ये बात समझ गए। मैं प्रोडक्ट का लिंक वगैरह सारा नीचे लगा दूंगी। इसको एक बार मैं आपसे कहूंगी वेडिंग डे को यूज़ करने से पहले 1-2 बार नॉर्मल डेज में भी यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम कोई नया प्रोडक्ट ऐसे दे शादी वाले दिन यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं आपको पर्सनली राय दे रही हूँ, अगर आप ये मेंस्ट्रुअल जो मतलब आते हैं ना अंडरगारमेंट्स, मेंस्ट्रुअल अंडरगारमेंट्स को आप 1-2 बार पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपने वेडिंग डे पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जब भी आपको पार्टी इवेंट्स अटेंड करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ ये कहूँगी, आप यूज़ कर आप ले सकते हैं किसी की भी हेल्प, किसी की भी फीमेल की हेल्प ले सकते हैं। बट यार कई लड़कियाँ अनकंफर्टेबल होती है कि इस टाइम पे किसी के साथ वॉशरूम यूज़ करना, रेस्टरूम यूज़ करना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, खुद को भी अजीब लगता है और जो भी हमारे साथ वॉशरूम के अंदर होता है उसको भी अजीब लगता है। तो उस केस में आपको करना क्या है गर्ल्स, लहंगा हो, साड़ी हो, या फिर आपका गाउन हो, कोई भी आउटफिट है, उसमें आप क्या कीजिए, एक कोई भी कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए जो कि कलर ट्रांसफ़र ना करे। हम दुपट्टा इतना होना चाहिए जो आपकी कमर मतलब आपके हिप पोर्शन पे आराम से कवर हो जाए। अब उस दुपट्टे को जब भी आप रेस्टरूम यूज़ करेंगे वाइल यू आर ऑन योर पीरियड्स, तो उसमें आपको क्या करना है, दुपट्टा पूरा लेना है, दुपट्टा यूज़ करने के बाद आपको अपने हिप पोर्शन पे पूरा बांध लेना है, सो दैट आपका जो ड्रेस है वो ऊपर स्टक हो जाए और आराम से आप फ्री हैंड्स के साथ रेस्टरूम को यूज़ कर पाए। मैं इसका एक डेमो भी लगा देती हूँ सो दैट आप इसको समझ पाएंगे। कुछ और टिप्स भी देना चाहूँगी, जब आपकी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो तो उस टाइम पे आप गाउन, साड़ी, लहंगा, उसके अंदर आप लोअर ज़रूर पहनिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने लोअर नहीं पहनी, लेगिंग्स, लोअर ये सब कुछ पहन लीजिए। साथ में अंडरगारमेंट्स की बात करें तो डबल अंडरगारमेंट्स लीजिए फॉर सेफ्टी पर्पस। आपके हाथ में आपकी सेफ्टी है, आप यूज़ करेंगे ठीक है सब चीज़ें, लेकिन आपको सेफ्टी के लिए डबल अंडरगारमेंट यूज़ करना है। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी होता है ब्राइड्स के साथ कि मान लीजिए आपकी शादी या एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो रही है और मतलब 1 महीने के बाद ही है, मतलब जल्दी तय हो गई है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है और आपको लग रहा है कि डेट शायद ऐसी हो रही है जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच मतलब पड़ सकती है, लग रहा है आपको, तो उस केस में आप जो भी अपने एंगेजमेंट या वेडिंग सेरेमनी के आउटफिट परचेज करेंगे वो बहुत ज़्यादा लाइट शेड के मत लीजिएगा। आप कलर ऐसे चूज़ कीजिएगा सो दैट अगर कुछ थोड़ा बहुत मतलब हो जाती है दिक्कत तो फिर आपका मैनेजेबल लगे। अब ऐसा ना हो कि आपने क्रीम शेड, लाइट पिंक या कोई ऐसा शेड ले लिया है जिसमें ज़रा भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई, हल्का भी स्पॉट हुआ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको पता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाली है तो उस टाइम पे आप
बहुत ज्यादा जो फ्लेयर वाली ड्रेसेस होती हैं, एक्सट्रीम जो ग्राउंड टच करते हुए, मतलब कह लीजिए कि प्रिंसेस स्टाइल की जो ड्रेसेस आती हैं उसको अवॉइड कीजिए और आप लहंगा रिप्लेस करके गाउन प्रेफर कीजिए। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। लहंगे में होती है दुपट्टा ड्रेपिंग, जो कि आपको रेस्ट रूम यूज करने में ना बार बार अनकंफर्टेबल बनाती है, लेकिन अगर आप गाउन यूज करते हैं तो इट विल वर्क एज अ फ्रॉक। आप फ्रॉक की तरह उसे यूज कर सकते हैं और रेस्ट रूम आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहूँगी ब्राइडल की इमरजेंसी किट तो होती है, लेकिन अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तो उस इमरजेंसी किट में आप कुछ इमरजेंसी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए, जैसे कि आपके सैनिटरी आइटम्स, आपके हाइजीन आइटम्स, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन अंडरगारमेंट मैंने बताया सैनिटरी पैंटीज आती है वो प्रेफर कीजिए, उसको आप डबल कैरी कीजिए। आप एक एक्स्ट्रा लोअर कैरी कर लीजिए और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आप अंडरगारमेंट्स रखिए, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रैंडमली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम वगैरह ज़रूर कीजिए और परफ्यूम यूज करते रहिए, सो दैट आपके आसपास के लोगों को एहसास ना हो कि यू आर ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर ये वाले छोटे छोटे टिप्स आपको जरा भी हेल्पफुल लगे होगा तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।